हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और आप सभी को फ्रेंड्स नए साल की ढेर ढेर शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा निकले, आपके यहाँ बहुत ही तरक्की हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके यहाँ वेल्थ अच्छी रहे। तो यही फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए, और हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स आप सभी को। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो रोजेज़ हैं, रोजेज़ के ऊपर सारी नई शूट्स वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो गई है और प्लांट अच्छी खासी ग्रोथ पे आ रहा है। फ्रेंड्स, बीच में हमारे ये रोजेस ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहे थे, तो रोजेस ने तो अपना काम स्टार्ट कर लिया है। और कल हमारे यहाँ फ्रेंड्स दिवाली के दिन बहुत ही तेज़ बारिशें हुई थी, अबाउट 1 आवर तक बारिश हुई थी और बहुत ही ज़ोरों के साथ बारिश हुई थी, हल्की फुल्की बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठंडियों की सीज़न में भी बारिश अभी तक जाने का नाम नहीं दे रही, मतलब ये एक इंडिकेशन है कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो थोड़े से स्ट्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि अगर ठंडियों के टाइम बारिशें ज़्यादा हुई तो बाद में हमारे प्लांट्स येलो लीव्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेंगे, प्लांट्स थोड़े स्ट्रेस में चले जाएंगे और कुछ प्लांट्स ओवर वाटरिंग की वजह से भी ख़राब बहुत ही जल्दी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि बारिशें अब थोड़ी सी रुक जाए ताकि हमारे प्लांट्स अभी विंटर्स में अच्छे खासे ग्रो हो सकें। तो आज की वीडियो ये मनी प्लांट के ऊपर है, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो मनी प्लांट है ये अपने पॉट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुशी है। तो मैं आप सभी को आज यही बताने वाला हूँ कि मैंने अपने ये छोटे से पॉट के अंदर ये मनी प्लांट को इतना बुशी कैसे बनाया। तो मेरे 2-3 व्यूअर्स ये पूछ रहे थे कि अगर हमें मनी प्लांट को छोटे से पॉट के अंदर बुशी बनाना हो तो हमें क्या करना है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स आप कोई भी हैंगिंग बास्केट ले लीजिए, हैंगिंग बास्केट के अंदर आप अपने मनी प्लांट्स को ग्रो कर लीजिए। मनी प्लांट्स के ऊपर बहुत सारी मेरी वीडियोज़ मौजूद है, तो एक बहुत ही अच्छी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स आप अपने मनी प्लांट को ये बास्केट, ये हैंगिंग बास्केट के अंदर डाल दीजिए। हैंगिंग बास्केट के अंदर डालने के बाद इसको ग्रो होने दीजिए, और जितनी ज़्यादा आप इसकी ग्रोथ होने देंगे उतनी ही ज़्यादा ये मनी प्लांट अपने रूट्स ये पॉट्स के अंदर डेवलप करते रहेंगे और ये एक हार्डी प्लांट बन जाएगा। यानी कि अगर थोड़ी सी पानी भी अगर आपने ज़्यादा डाल दिया हो तो भी ये मनी प्लांट बहुत ही ईजिली नहीं मरेगा, क्योंकि अगर इसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा फैल गई हो, जड़ें मजबूत हो गई हो, बाद में प्लांट ईजिली नहीं मरेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने प्लांट को ग्रो कर लीजिए और अबाउट 4-5 महीने तक अच्छी खासी केयर करिए, फंगीसाइड स्प्रे करिए, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। बाद में जैसे ही आपके प्लांट्स के ये जो मनी प्लांट की बेल है वो बाहर निकलने लग जाए, कुछ ये हिसाब से जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ ये हिसाब से बाहर निकलने लग जाए, तब फ्रेंड्स हमें उसको ट्रिम करते रहना है। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, की देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच बाहर निकली हुई है, तो ये ब्रांच को मैं पॉट के बॉर्डर एरिया से कट कर लूँगा। यानी कि फ्रेंड्स पॉट के बॉर्डर एरिया से कट करने का रीज़न यही है, पॉट के बॉर्डर एरिया से कट करने का रीज़न यही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से मनी प्लांट अपनी सारी नई शूट्स निकालना स्टार्ट कर लेगा और शूट्स सारी ऊपर तक आएगी, यानी कि जितनी भी नई शूट्स निकलेगी वो ऊपर निकलेगी। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स ये मनी प्लांट आपका कुछ ये हिसाब से बुशी लुक देना स्टार्ट कर लेगा अपने हैंगिंग बास्केट के अंदर। कि फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं उसको कट कर लूँगा और ये वाला जो हिस्सा है ये भी बाहर निकल रहा है, उसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। तो यहाँ से कट करने से फ्रेंड्स ये जो प्लांट है अंदर ही अंदर अपनी सारी नोड एरियाज़ को डेवलप करता रहेगा और अंदर ही अंदर ये बुशी बनता जाएगा। अब जैसे ही फ्रेंड्स ये आपका मनी प्लांट अंदर ही अंदर बुशी बनता जाएगा तो बाद में आपको इसकी केयर भी अच्छी तरह करनी होगी, नहीं तो बाद में इसके अंदर फंगस लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स सारी जो भी ब्रांचेस बाहर निकली हुई थी तो वो मैंने कट कर ली। अब जितने भी लीव्स बाहर निकले हैं उसका कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको लुक बहुत ही अच्छा देगा। और दूसरी चीज़ जितने भी कुछ ये हिसाब से डैमेज लीव्स है वो हमें कट कर लेने हैं। और जो भी अच्छे लीव्स है फ्रेंड्स वो हमें रहने देने हैं। तो अभी इसकी केयर में फ्रेंड्स हमें इतना ही करना है, क्योंकि जैसे ही प्लांट बुशी होता है तो अंदर एयर सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स अंदर के एरिया में आपको फंगस आराम से देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हमें फंगीसाइड के एप्लीकेशन अच्छी तरह हमारे प्लांट के ऊपर करना है। अबाउट हफ्ते में एक बार आप इसके ऊपर फंगीसाइड कर लीजिए, और इंसेक्टीसाइड में फ्रेंड्स आप कोई भी इंसेक्टीसाइड 15 दिन में एक बार प्लांट के लीव्स के ऊपर स्प्रे कर लीजिए। इससे फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, लीव्स की कंडीशन अच्छी रहेगी।
तो फंगीसाइड में फ्रेंड्स मैं तो यूज करता हूँ बेविस्टिन फंगीसाइड, आपको आधा चम्मच जितना एक लीटर पानी में लेना है और अच्छी तरह स्प्रे कर लेना है। और इंसेक्टीसाइड आप कोई भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, बायो इंसेक्टीसाइड्स मिलते हैं और बाद में रोबोर इंसेक्टीसाइड है, एमिडा क्लोप्रीड है, बाद में नीम इंसेक्टीसाइड है, बहुत सारे इंसेक्टीसाइड है जो आप यूज कर सकते हो। यही हिसाब से फ्रेंड्स आप अपने मनी प्लांट एक छोटे से पॉट के अंदर आप बुशी लुक दे सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो गार्डन का लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे कि देख रहे हैं ये छोटे से पॉट के अंदर ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये है मेरी वीडियो फ्रेंड्स मनी प्लांट को एक छोटे से पॉट के अंदर बुशी बनाने का। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।